अगली खबर जयपुर से है, जहां 44 आईएफएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। राजधानी जयपुर सहित 7 जिलों में मुख्य वन संरक्षक और 10 जिलों में उप वन संरक्षक इधर उधर किए गए हैं। 7 आईएफएस को दिया गया है अतिरिक्त चार्ज। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले ये कयास लगाया जा रहा है कि इस तरह के तबादले हो सकते हैं। फोर्स इंडिया जानकारी भी आपको दे रहा था, ऐसे में ऑफिशियल सूची अब सामने आ चुकी है। राजीव चतुर्वेदी होंगे जयपुर के नए मुख्य वन संरक्षक। इसके अलावा अरिंदम तोमर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त जयपुर। शिखा मेहरा जो की होगी अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक FCA जयपुर। उदय शंकर अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन जयपुर। राजेश कुमार गुप्ता अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव जयपुर। इसके अलावा भी देखिए कई नाम जो कि हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर भी। और ऐसे में देखिए इन आईएफएस तबादला सूची में सरकार का विजन भी देखा जा सकता है। रणथंभौर सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का मैनेजमेंट अब बदल गया है। रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर और DCF दोनों की विदाई हो चुकी है। बाघों की मौत और खराब मॉनिटरिंग के चलते दोनों अधिकारी पी कथिरवेल और मोहित गुप्ता को हटा दिया गया है और अनूप केआर को फील्ड डायरेक्टर और डॉक्टर रामानंद भाकर को DCF की जिम्मेदारी दी गई है। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी भी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, क्या लगता है इस बड़े बदलाव के बाद में जो वन्य जीव है उनकी जिंदगी में भी बदलाव आएगा? अच्छा सवाल किया आपने आयुष कि अब क्या वन्य जीवों के जीवन में भी बदलाव आएगा? निश्चित तौर पर आएगा। देखिए लगातार इस बात के प्रयास कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान में किस तरह से आईएफएस अधिकारियों के तबादले कब होंगे, क्योंकि सूबे में सरकार बदल चुकी थी और लगातार शिकायतें मिल रही थी। रणथंभौर से शिकायतें मिल रही थी, सरिस्का से यही स्थिति थी, तमाम जो अन्य जो फील्ड के जो स्टाफ है उनको लेकर शिकायतें मिल रही थी। तो निश्चित तौर पर वन मंत्री संजय शर्मा भी लगातार इस बात के प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से बदलाव किया जाए। सबसे पहले उन्होंने फीडबैक दिया, लेकिन जो इस पूरी जो लिस्ट निकली है 44 आईएफएस की, इसकी जो सबसे खास बात यह है कि इसमें विजन जो है वो शिखर अग्रवाल का देखने को मिला, जो ACS है CMO के अंदर, मुख्यमंत्री के जो ACS है, क्योंकि लंबे समय तक वन और पर्यावरण विभाग में भी आप ACS रहे, तो निश्चित तौर पर उनकी छाप इसमें दिखाई दे रही है। और जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, यानी कि अब मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के पद से अरिंदम तोमर की विदाई कर दी गई है और उसके उनकी जगह जिम्मेदारी दी गई है राजेश गुप्ता जी को। राजेश गुप्ता लंबे समय तक उन्होंने रणथंभौर और सरिस्का में अपनी सेवाएं दी है फील्ड डायरेक्टर और वहां के बतौर DCF, तो निश्चित तौर पर उनको काफी अनुभव है और ये दो ही जगह ऐसी थी जहां पर महत्वपूर्ण बदलाव होने। उसके अलावा देखिए रणथंभौर में तो पूरा जिस तरह से दोनों अधिकारियों में खींचतान चल रही थी, फील्ड डायरेक्टर पी कथिरवेल को हटा दिया गया उस जगह पर, वहां पर अनूप केआर को जिम्मेदारी दी गई है, युवा अफसर है और उन्होंने काफी अध्ययन अध्यापन किया वाइल्ड लाइफ को लेकर के, और इसी तरह से वहां के DCF की जिम्मेदारी बहुत ही युवा यानी मात्र 39 वर्ष के डॉक्टर रामानंद भाकर को दिया है। DCF की जिम्मेदारी मोहित गुप्ता को हटाने के बाद रामानंद भाकर ने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर PhD कर रखी है, बहुत जबरदस्त जानकार है, करौली और दौसा में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तो दोनों बदलाव महत्वपूर्ण है। इसी तरह से सरिस्का से रूपनारायण मीणा जो लंबे समय से वहां फील्ड डायरेक्टर थे उनको वहां से जयपुर भेज दिया गया और फील्ड डायरेक्टर और साथ साथ वहां के जो DCF है यानी देवेंद्र जगावत को भी हटा करके महेंद्र शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। महेंद्र शर्मा वो जो रणथंभौर में DCF रहते हैं, उन्होंने वहां के टैंकर माफिया को खत्म किया और बहुत शानदार मैनेजमेंट उनका देखने को मिला था, और चूंकि वहां अब सरिस्का में फील्ड डायरेक्टर नहीं लगाया तो ये मानिए कि फ्री हैंड दिया गया महेंद्र शर्मा को कि सरिस्का का विकास कीजिए, और मंत्री जी के भी उसको काफी विश्वास पात्र उनको माना जाता है संजय शर्मा जी का। उसके अलावा मुकंदरा के अंदर फील्ड डायरेक्टर की जिम्मेदारी बीजो जॉय को दे दी गई है, DCF अभिमन्यु सारण को भेजा गया, यानी कि मुकंदरा को लेकर के जो बाघ पुनर्वास के जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें निश्चित तौर पर अब नवाचार देखने को मिलेंगे। और देखिए खास बात ये भी आयुषी, जयपुर के अंदर भी व्यापक बदलाव किया गया। जयपुर के जो CF जिनको लगाए वन्यजीव टी मोहन राजा उनको भरतपुर से आया गया है और देवेंद्र जगावत को सरिस्का से ला करके जयपुर वन्यजीव यानी जयपुर चिड़ियाघर जो वन्यजीव का जो है उनको DCF का चार्ज दिया गया। इसका मतलब जयपुर में अब दो भी नवाचार होंगे, खासकर आमागढ़ की बात करें, मुहाना की बात करें, झालाना की बात करें, नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की बात करें, टाइगर सफारी जो जल्दी बनने वाली उसकी बात करें, तो उसकी जिम्मेदारी अब देवेंद्र जगावत के पास होगी। आपके पास सरिस्का का काफी अनुभव है वहां के DCF का। उसके अलावा तमाम जो फील्ड के जो अधिकारी उनको बदला गया है और ये उम्मीद की जा रही थी कि वन महकमे में आमूलचूल परिवर्तन होगा। जैसा मैंने पहले भी बताया कि इसमें शिखर अग्रवाल जो ACS है CM के उनकी पूरी उनका विजन देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने बड़े इन अधिकारियों को लंबे समय तक वन विभाग में खुद के ACS रहते हुए इनकी कार्यशैली को देखा था, इनकी परफॉर्मेंस को देखा था, तो उसकी झलक उसमें दिख रही है। संजय शर्मा मिनिस्टर जिन्होंने बार बार कहा था कि अधिकारियों ने खींचतान खासकर रणथंभौर सरिस्का नहीं चलेगी, तो वहां उन्होंने बदलाव कराए, अपनी पसंद के अफसर वहां पर लेके गए, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में शानदार काम आयुष अब देखने को मिलेंगे।
और जिस तरह के बदलाव हैं निश्चित तौर पर उसमें नवाचार होगा। और सबसे बड़ा बदलाव मैं एक बात बता दूं कि अब राजेश कुमार गुप्ता जो कि आईएफएस के अंदर अगर वरीयता की बात करें तो 11 अधिकारियों के ऊपर उनको वरीयता दी गई है, या तो निश्चित तौर पर उनके अंदर जो उनकी फील्ड की उनकी जो जानकारी थी वो इसमें इस्तेमाल की जाएगी। और जैसे जैसे क्योंकि अब राजेश कुमार गुप्ता आ गए तो उनकी कार्यशैली उनके द्वारा जो नवाचार किए जाएंगे वो वन्य जीव प्रतिपालक के तौर पर, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वन और वन्य जीवों की दिशा में बहुत जबरदस्त इस सूची के अंदर स्टेप उठाए गए हैं। और इनके जो इनके काम करने के जो अंदाज हैं निश्चित तौर पर उससे वन और वन्य जीव संरक्षण और पुख्ता होगा, बेहतर समन्वय देखने को मिलेगा, टीम वर्क के साथ बदलाव किए जाएंगे। और अब क्योंकि आईएफएस के स्तर पर उच्च स्तर पर बदलाव हो गए हैं तो जल्दी उम्मीद की जा रही है कि कल लेखानुदान आने के बाद सरकार 9 या 10 तारीख के आसपास अगर तबादलों से भेद हटाती है अल्प समय के लिए तो विभाग में निचले स्तर पर भी काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि मंत्री बार बार कहते रहे एक तो लंबे समय से कौन अफसर कहां पर है उसकी मेरे को उन्होंने सूची मांगी थी, उसके अलावा उन्होंने अधिकारियों के बर्ताव उनकी कार्यशैली की तौर तरीके जानने की कोशिश की थी, उसी के हिसाब से तमाम बदलाव किए गए। आयुष बिल्कुल निर्मल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।